उत्तराखंड के दिनेशपुर में स्थित सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अध्यापक और बच्चों ने 7 दिवसीय NSS कैंप का आयोजन किया, जिसमें बच्चे घर घर जाकर महिलाओं को साक्षर कर रहे हैं। मोदी जी नगरों को स्वच्छ कर मोदी जी के चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान और तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि हम हर साल इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। जैसे कि हमारा 7 डेज का NSS कैंप लग रहा है, ये सेकेंड ईयर हो रहा है, तो हम इसमें डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, पूरा एक जागरूकता, पूरा गांव, पूरे आनंद खेड़ा ग्राम के पूरे गांव वालों के बीच में एक जागरूकता का हम प्रयास कर रहे हैं। और यही हमारा NSS मतलब राष्ट्रीय सेवा योजना का यही हमारा मेन मोटो है कि हर घर में मोटिवेट करना, जागरूक करना। NSS का कैंप लगाया गया है सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस की तरफ से, और इस गाँव में कई प्रॉब्लम्स हैं, इतनी लिटरेसी नहीं है, खासकर डिजिटल लिटरेसी, गांव की साफ़ सफाई को लेकर, बच्चों की एजुकेशन को लेकर, और बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जिसके लिए गांव वालों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस गांव में ये कैंप लगाया गया है। हम लोग जो है सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस की तरफ से आए हैं। इस गांव में हम लोग जो है 7 दिन तक हमने अपना कैंप लगा रखा है, जिसमें हम लोगों को अलग अलग प्रकार से हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारा रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक हमारा अभियान चलेगा। इसके अलावा हमारा डिजिटल लिटरेसी हम लोगों को कैसे कराएं, लोगों को हम शिक्षित कैसे बनाएं, इस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। इसके अलावा जो है साफ़ सफाई के बारे में लोगों को जागरूक करना, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम लोग 7 दिन का हम लोगों ने NSS का कैंप लगा रखा है।